बैठे बैठे बोर हो गए, चलो खड़े होते हैं और सब मिलके डांस करते हैं। पर उसका वचन हमेशा रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी पे जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। पर उसका वचन हमेशा रहेगा, स्वर्ग और पृथ्वी पे जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये समय प्रार्थना का, हम प्रार्थना करेंगे। हमारा आज का पहला
प्रार्थना बिंदु है। हम प्रार्थना करेंगे कि हर जगह बच्चे सुरक्षित हैं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा उनके जीवन में पूरी हो रही है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। लीजे बोशादा माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे आंतो माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे बोशादा लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे बोशादा माकिंदो लीजे बोशादा लीजे ए लीजे बोशादा लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे बोशादा लीजे बोशादा लीजे बोशादा लीजे बोशा लीजे बोशादा लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे बोशादा लीजे दे 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 लीजे बोशादा माकिंदो लीजे के दे लीजे के दे लीजे के दे लीजे के दे आंतो माकिंदो लीजे बोशादा आ लीजे ए हर जगह बच्चे सुरक्षित है। लीजे बोशादा माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे आंतो माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे दे आंतो माकिंदो लीजे बोशादा आ लीजे ए ए ए लीजे बोशादा माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे लीजे दे आंतो माकिंदो लीजे बोशादा आ लीजे ए लीजे बोशादा माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे लीजे दे लीजे दे लीजे बोशादा आ लीजे ए लीजे बोशादा आ लीजे ए आंतो माकिंदो लीजे बोशादा दो लीजे ए लीजे बोशादा माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे लीजे बोशादा लीजे ए लीजे बोशादा माकिंदो लीजे बोशादी ले रे ले रे ले रे ले रे ले रे ले रे ले लीजे बोशा आ लीजे ए लीजे ए लीजे बोशा आ लीजे ए ले रे ले रे ले रे ले रे ले रे लीजे बोशा खा माकिंदो लीजे बोशादा लीजे दे लीजे बोशादा खा दा माकिंदो लीजे के बोधा लीजे ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। थैंक यू गॉड ब्लेस यू बाय बाय। अब वही प्रभु है जो कल थे आज है और हमेशा रहेंगे। अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे बदलते आप वही खुदा कल और आज खुदा अपना हार दे ना बदलते अनंत काल से अनंत काल तक आप एक जैसे अपना बदलते आप है वही खुदा कल और आज खुदा अपना हार दे ना बदलते यीशु आवाज हम उठाते आराधना को दे सारी महिमा आपको हम देते हैं सारा आदर धन्य आपका नाम प्रभु यीशु आवाज हम उठाते आराधना आपको देते Sorry.
खुदा आपका हार दे अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह को पढ़ने का माँ के साथ, तो आइए इसे पढ़ें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्क है। आज है 24 दिसंबर रविवार और आज का संदेश है उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ है। बाइबल से वचन लिया गया है, पहला योहन्ना की पुस्तक 3:8। ये कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। क्रिसमस का समय साल का अद्भुत समय है। स्वादिष्ट केक, व्यंजन और उपहार के साथ साथ यह उत्सव मनाने का एक समय है। आप हमारे प्रभु यीशु के जन्म की विजय का उत्सव मना रहे हैं। आप उसके पैदा होने के कारण का उत्सव मना रहे हैं, जो कि आपको मृत्यु, पाप, बीमारी, रोग और शैतान के ऊपर विजय देना था। हालेलुया! आप विजय के जीवन का उत्सव मना रहे हैं, जिसे आपने यीशु के द्वारा ग्रहण किया। इसलिए आप देखते हैं क्रिसमस के दौरान उत्सव मनाने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी को यीशु के बारे में बताओ, क्योंकि उत्सव मनाने के योग्य है। हालेलुया! इसे मेरे पीछे बोलिए, मैं उस विजय का उत्सव मना रहा हूँ, जिसे प्रभु यीशु ने अपने जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मेरे लिए जीता। हालेलुया! बाइबल से हम वचन पढ़ेंगे, कुलोसियों की पुस्तक 2:15। वाओ, थैंक यू मार्क। बाय बाय दोस्तों, हम अगले बार मिलेंगे। भरने
के लिए। मैं परिश्रमी रूप से उन्हें दूसरों के साथ साझा करूंगा। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि आप सब आशीषित हैं और हम जोर से चिल्लाएंगे मैरी क्रिसमस। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं क्रिसमस के लिए और आप अपने यहाँ पे बहुत तैयारियाँ कर रहे हैं इस क्रिसमस का उत्सव आनंद से मनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वाओ वाओ वाओ, कितना सुंदर समय है ये। हालेलुया। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आपके आसपास आपके भाई बहन दोस्त जो कोई भी है, हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सकते, कहिए आपका स्वागत है। परमेश्वर की महिमा हो। मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं आज के संदेश के लिए और आज हम देखेंगे किस तरह से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। और पिछले रविवार हमने बात की थी कि किस तरह से परमेश्वर ने एक वादा किया था एक मसीह को भेजने का। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा एक मसीह को भेजने का वादा किया था और उस मसीह को लोगों के लिए अपनी जान देनी थी, उसे लोगों को पाप और मृत्यु से बचाना था। हालेलुया। यशाया मिक्का ने इस मसीह की भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। और हमने देखा किस तरह से एक दिन मरियम नाम की एक लड़की है ना, उसके घर में स्वर्गदूत जिब्राइल आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को भेजा था और वो परमेश्वर के संदेश के साथ वहाँ पर आया था कि वो एक पुत्र को जन्म देगी जो आगे जाके विश्व का उद्धारकर्ता बनेगा। और मरियम ने पूछा था ये कैसे होगा, तब स्वर्गदूत ने उसे बताया था कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मरियम कहती है कि जैसे कहा गया है वैसे ही मेरे लिए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मरियम होती है उसकी मंगनी यूसुफ नाम के एक आदमी के साथ तय हुई थी जो कि दाऊद के घराने से था और बहुत जल्दी उनकी शादी होने वाली थी। जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है तो बहुत उदास हो जाता है और क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था उसने चुपके से मरियम को छोड़ने का मन बनाया। लेकिन तभी रात को सपने में स्वर्गदूत आते हैं और कहते हैं कि मरियम को अपने पत्नी के रूप में ग्रहण करने से मत घबरा, वो एक पुत्र को जन्म देगी और वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा गर्भवती होने वाली है और वो बच्चा आगे जाके विश्व का उद्धारकर्ता बनेगा, उसका नाम यीशु होगा। जब यूसुफ ये सारी बातें सुनता है ना, तो मरियम को अपने पास लाने का मन बनाता है। और उस वक्त वहाँ पर एक नियम आता है, राजा की तरफ से एक नियम आता है जहाँ पे सबको अपना नाम लिखाने के लिए अपने शहर जाना होगा, सबकी गिनती होनी थी। और क्योंकि यूसुफ रहता तो नासरत में था पर वो बैतलहम से था तो उसे भी क्या करना पड़ा, बैतलहम जाना पड़ा। तो वो मरियम को अपने साथ लेकर बैतलहम की ओर जाता है और उस समय मरियम गर्भवती थी और बच्चे का जन्म का समय आ चुका था। हालेलुया।
और क्योंकि हर जगह से लोग बैतलहम में आए थे, है ना, कहीं पर भी रहने के लिए जगह नहीं थी, कोई भी सराय खाली नहीं थी। और यूसुफ और मरियम जाते हैं एक एक जगह से दूसरी जगह, है ना, सबको पूछते क्या कहीं रहने के लिए जगह है, क्योंकि बच्चे का जन्म कभी भी हो सकता था। पर आपको पता है उन्हें कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली। और आखिर में एक घर वो पहुंचते हैं और वो कहता है कि सराय में तो जगह नहीं है, पर जो हमारा गौशाला है ना, जहाँ पे भेड़ों को रखते हैं, गायों को रखते हैं, वहाँ पर जगह, आप चाहे तो वहाँ पर रह सकते हैं। अब यूसुफ और मरियम के पास कोई और जगह नहीं थी तो क्या करें, है ना, तो वो उन्होंने कहा ठीक है हम वहाँ पर रहेंगे। और यूसुफ मरियम को लेकर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर उस महान प्यारे से सुंदर से बालक प्रभु यीशु का जन्म होता है। मरियम उसे कपड़े में लपेट कर उसे रखती है, हालेलुया। और कुछ गढ़रिये अपने भेड़ों को चलाने के लिए मैदान में बैठे हुए थे और वहाँ पर स्वर्गदूत आते कहते हैं उनको, है ना, कि आनंद का समाचार है, एक बालक का जन्म हुआ है। और वो परमेश्वर की स्तुति करते, आराधना करते, महिमा करते हैं। और वो जो गढ़रिये होते वो भी बोलते चलो हम भी देखने जाते हैं कि किसका जन्म हुआ है, किसके बारे में ये बात कर रहे हैं, हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु यीशु का जन्म एक गौशाला में होता है, हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु इस विश्व के उद्धारकर्ता, प्रभु परमेश्वर ने जो वादा किया था कि वो एक मसीहे को भेजेंगे, हाँ वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु ही थे। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा पर वो अनंत जीवन को पाएगा। और हाँ, प्रभु यीशु ने यही किया अपने जीवन, है ना, क्रूस पर देने के द्वारा, जी उठने के द्वारा हमें क्या दिया, एक नया जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन, हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड, अविनाशी जीवन, जोए, हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। और यही कारण है कि हमें सबको बताना है प्रभु यीशु के बारे में, उस महान प्रेम के बारे में जो परमेश्वर ने हमसे किया, वो सब कुछ जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, प्रभु यीशु आए हमारे लिए, हालेलुया, उन्होंने क्रूस पर जान दी, वो जी उठे हमारे लिए। और वचन कहता है कि हम क्या हैं, सह उत्तर अधिकारी है, जो कुछ प्रभु यीशु का वो सब हमारा है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, परमेश्वर ने हमें दैवीय स्वास्थ्य दिया है, हमें आशीषित किया है, हमें वो सब कुछ दे दिया है जिसे हमें कभी भी ज़रूरत हो सकती इस जीवन को जीने के लिए। हमारे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई हार नहीं है, हालेलुया। ये जीवन आगे और ऊपर जाने का है, महिमा से महिमा में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित है ये जानकर, है ना, तो जाइए सबको बताइए किस तरह से प्रभु का जन्म हुआ और प्रभु क्या करने के लिए इस दुनिया में आइए। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस प्रोग्राम को दोबारा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने कहानी आपको बताई सबको बताइएगा, सबको पता चलने दीजिए कि प्रभु परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और सबको मैरी क्रिसमस। हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपने प्रभु
अपने स्वामी अपने दोस्त की तरह ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है जहाँ पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। ग्लोरी हालेलुया। तो जहाँ कहीं पर भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलना बहुत जरूरी है और अपने हृदय से विश्वास करके बोलिएगा। प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी मेरी आत्मा को बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो ये समय जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, तो जहाँ कहीं पर भी अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और उस बच्चे के लिए, व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, तो धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं यदि अंधकार और शैतान के भी जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। ये आशीषित है प्रभु, ये सुरक्षित है, दिव्य स्वास्थ्य का है। मैं आशीष दूंगी आपके आत्मा, आपके वचन, आपके अनुग्रह के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। एक बार फिर आप सबका परमेश्वर के इस महान परिवार में स्वागत है। समय में हम परमेश्वर को अपना भेंट दे सकते हैं, और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी आप अपना भेंट दे सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं तो आप अपना भेंट सेंटर में दे सकते हैं। हालेलुया। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी कोई घटी नहीं है। लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इन भेंटों के ऊपर। आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं, बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरत को तेजी के साथ पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया और कितना कुछ आज हमने सीखा है। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं, है ना, आपके दोस्त, आपके घर में, परिवार में, सबको जरूर बताएं। हालेलुया। तो ये समय है हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं अपने स्थानों पर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर आंख को बंद करके धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को उनके प्रेम, दया, कृपा, भलाई के लिए, प्रेम के लिए। ओ हालेलुया। लेका सा ते मा सोक रहेता ली बाबा से ते मामा कंती लका से ते मा सोक तयबदी दबो संत न दे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी भलाई के लिए परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर बच्चे के लिए, हर व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, कि आपका वचन उनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है, वचन की गहरी समझ उनके अंदर आ रही है। ये निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार करने वाले बन रहे प्रभु। ये विजयी है प्रभु, ये चैंपियन, ये बुद्धिमान है,
उस सर्वश्रेष्ठ आत्मा इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है प्रभु, और आपका अनुग्रह महान रूप से इनके जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रही है। सुरक्षित है प्रभु, धन्यवाद अपने जाने अपने आने में, धन्यवाद देवीय स्वास्थ्य इनका है प्रभु, इनके घरों में शांति आनंद है, भरपूरी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं। ये आत्मिक दिमाग के हैं और आपके आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोल सकते हैं, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, जैसे ही मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वो दिन दूसरे दिनों जैसा ही होगा। और फिर अचानक से बहुत से लोग गायब हो जाएंगे, हर जगह अफरा तफरी होगी। बहुत ही शॉकिंग खबर आ रही है, विश्व में करोड़ों लोग अचानक से गायब हो गए जिनका कोई भी पता नहीं लग रहा है। बहुत सारे प्लेन क्रैश और मोटरबाइक एक्सीडेंट हुए बहुत सारे देशों में, जहां पर पायलट और ड्राइवर रहस्यमय रूप से गायब हो गए। ब्रेकिंग न्यूज, सड़कें करीब करीब खाली है, जहां पर विश्व जूझ रहा है अचानक से अरबों लोगों के गायब होने की परेशानी से। हमें नहीं पता क्या हुआ, पर हमें यह पता है कि लाखों लोग लापता है पूरे विश्व में। सैनिक अभी भी खोए हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं और सरकार ने लोगों से कहा शांति बनाए रखें। बहुत सारी फोन कॉलों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। किसी दिन अवश्य होगा, जल्दी ही यीशु मसीह के चर्च का स्वर्ग में उठना। चूकिएगा मत रैप्चर से। जिस दिन मसीह इस विश्व से उठा लिए जाएंगे, उसी दिन न्याय शुरू हो जाएगा। और सीखने के लिए कि कैसे यीशु मसीह के चर्च के स्वर्ग में उठाए जाने के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें, प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। Thank you and God bless you.